भारत का एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 2500 से भी ज्यादा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया था। कौन है ये आईपीएस अधिकारी और कैसे बचाए इन्होंने महिलाओं को, चलिए जानते हैं। कोरोना काल के दौरान आईपीएस आरिफ शेख जी की जब रायपुर में पोस्टिंग हुई तो उन्होंने देखा कि लॉकडाउन में इनकम ना होने की वजह से जिले के आसपास के गाँव में रहने वाले लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जिसके चलते अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो अपनी पत्नियों के साथ हिंसा पर उतर आते थे। इससे रायपुर में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में आईपीएस आरिफ शेख ने समस्या को सुलझाने के लिए रायपुर में चुप्पी तोड़ अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने 4 ऑनफील्ड टीमों का गठन किया। उसमें हर एक टीम में 4 महिला पुलिसकर्मी शामिल रहती हैं, जो शिकायत प्राप्त होने पर सीधे पीड़ित महिला के घर पहुंच जाती हैं और उनसे पूछताछ करती हैं। साथ ही रायपुर में सोशल मीडिया और टोल फ्री नंबर के जरिए भी घरेलू हिंसा को रोका जा रहा है। इस तरह से चुप्पी तोड़ अभियान के जरिए आज तक उन्होंने 2500 से भी ज्यादा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया है। तो गाइस, हमारे आईपीएस आरिफ शेख के स्नेक काम के लिए एक हार्ट तो बनता है। ईंटे ढोके दिन का 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला एक मजदूर रातों रात अरबपति बन गया। अब कैसे हुआ ये अजूबा, चलिए जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रहने वाले शिव प्रसाद निषाद रोज की तरह मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो काम पर निकल जाते उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया। शिव प्रसाद जी ने जब ये नोटिस पढ़ा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि नोटिस के मुताबिक शिव प्रसाद जी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इनकम टैक्स ऑफिस बुलाया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछली साथ ही अचानक से शिव प्रसाद जी के बैंक खाते में 2 अरब 21 करोड़ रुपए आ गए थे। ये बात जब शिव प्रसाद जी को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उन्होंने तुरंत दूसरे दिन इनकम टैक्स ऑफिस जाकर अधिकारियों को बताया कि उन्हें इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है कि इतने सारे पैसे उनके खाते में कब और कैसे आए, और शायद हो सकता है कि किसी ने उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया हो। इसलिए अब पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके इस पैसों के आने की जाँच कर रही है। वैसे गाइस, अगर आपके खाते में इतना पैसा आ जाता तो आप क्या करते? पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंचने में पहले 7 महीने का समय लगता था, लेकिन नासा का ये दावा है कि अब 45 दिनों में ही मंगल ग्रह पर पहुंचा जा सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस लाल ग्रह ने सबको अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच करोड़ों किलोमीटर की दूरी के चलते मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगता था, लेकिन अब नासा के इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के तहत नासा बायो मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रॉकेट में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे परमाणु रिएक्टर लिक्विड हाइड्रोजन को गर्म कर देगा और इससे आयनाइज्ड हाइड्रोजन यानी कि प्लाज्मा बनेगा, जो रॉकेट की रफ्तार बढ़ाने में मदद करता है। और इसी तेज रफ्तार से मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी 7 महीने की बजाय 45 दिनों में ही तय कर ली जाएगी। गाइस, आप कितने एक्साइटेड हैं इस चीज को सुनके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आप लोग बाइक्स के शौकीन हैं? अगर हैं तो आज मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलमेट दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप लोगों को आयरन मैन के हेलमेट की याद आ जाएगी। एक्चुअली इस हेलमेट को आई राइडर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पोर्टेबल प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिसे आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्शन के बाद आप लोगों को हेलमेट के ग्लास पर साइड में नेविगेशन, गोल्स, मैसेजेस दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा इसमें एडवांस स्पीकर लगा हुआ है, जिसमें हेलमेट के अंदर ही आप गाने भी सुन सकते हैं। गाइज, ये एडवांस्ड हेलमेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।